बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम तेलता में स्थित पेपर मिल में सफाई के दौरान हानिकारक गैस के संपर्क में आने से 7 मजदूरों की हालत बिगड़ गई। इसमें से 3 की हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। आपको यह भी बता दें कि कलेक्टर यशवंत कुमार आज बिलासपुर अधीक्षक संतोष सिंह के तेतला स्थित शक्ति पेपर मिल में हानिकारक गैस के संपर्क में आने से बीमार हुए मजदूरों से मिलने संजीवनी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने चिकित्सकों से बीमार मजदूरों का हाल चाल जाना। कलेक्टर द्वारा मजदूरों के परिजनों व अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर जिनकी स्थिति ज्यादा खराब थी, ऐसे 3 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किए जाने की व्यवस्था करवाई। कलेक्टर यशवंत कुमार ने मिल संचालक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत रूप से घायलों के साथ रायपुर जाकर उनका पूरा इलाज करवाएं। साथ ही प्रशासन की ओर से एक पटवारी को भी मजदूरों के साथ रायपुर जाने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने मजदूरों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन घायलों के इलाज का पूरा ध्यान रखेगा, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस संबंध में बता दें कि पुसौर के तेलता में शक्ति पेपर मिल है, जिसमें पेपर को रिसाइकल करने का कार्य किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान बंद इस मिल को पुनः प्रारंभ करने से पूर्व मजदूर रिसाइकल चैम्बर की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान हानिकारक गैस के संपर्क में आने से मजदूरों की तबियत बिगड़ने लगी, जिस पर उन्हें इलाज के लिए रायगढ़ के संजीवनी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। भर्ती कराए गए कुल 7 मजदूरों में से 3 मजदूरों को उनके बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, जिसके लिए प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस तथा अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। रायगढ़ जिले की पहचान पहले कला संस्कृति धानी के रूप में रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उद्योगों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि अब रायगढ़ की पहचान पर्यावरण के लिए दूषित और उद्योगों कल कारखानों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसके कारण से आए दिन यहाँ उद्योगों में कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। इस मामले में आज फिर से कड़ी जुड़ गई है। तेतला के शक्ति पेपर मिल में 7 मजदूरों ने गैस रिसाव के कारण घायल होने की खबर है। इस खबर को दबाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मजदूरों के परिजनों के द्वारा हालत बिगड़ने के कारण चर्चा में आ गई और कलेक्टर एवं एसपी ने घटना स्थल के बाद वहां पर अस्पताल जाकर मुआयना किया, जिसके बाद मीडिया में आने के बाद यह मामला सुर्खियों में है। अब इस पर सवाल यह उठता है कि आए दिन इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? उक्त पेपर मिल में क्या बचाव के लिए क्या उपाय किए गए थे? इस चूक के जिम्मेदार कौन है? इस पर क्या कार्रवाई होती है? यह देखने वाली बात हो। शेष 4 मजदूरों का इलाज संजीवनी में ही जारी है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि यह सब कैसे हुआ और इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा मानकों एवं जानकारी छुपाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। रायगढ़ अब तक चूंकि औद्योगिक जिला है, जहां आए दिन इस तरह की कोई न कोई दुर्घटना किसी न किसी उद्योग में घटती रहती है। ऐसे हालत में इस पर रोक लगाने और मुआवजा तथा कार्रवाई को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट।